नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं द न्यूज ओशियन। इस समय हमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज यहां पर तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है और यहां पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये वोटिंग केंद्र है जहां पर भारी मात्रा में लोग लगातार सुबह से वोट कर रहे हैं। आज हम यहाँ के कुछ लोगों से जानकारी करेंगे कि ये किन मुद्दों पर वोट डालने आए हैं, वो किन मुद्दों पर यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे हम जुड़ेंगे। जी, शुभ नाम आपका? साकेत मिश्रा। आप वोट डालने के लिए आए हैं? वोट डाल चुके। जी, किन मुद्दों पर आपने वोट डाला है? सबसे पहली मुद्दा है आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर है जी। प्रदेश का आज की डेट में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके लिए मैंने सबसे पहले वोट डाला है। नारी शक्ति का है और वो जो हमारा योगी सरकार लाए हैं, आज तक किसी गुंडे की हिम्मत नहीं थी, किसी माई के लाल की मुझे कहना चाहिए चीफ मिनिस्टर की, कि गुंडों से कुड़की करा के उनसे पैसा वसूल ले। आई सल्यूट टू माई CM और मैंने उन्हीं को सीधा मैं मुद्दे पाता हूँ। हमने किसको वोट किया है? मेरा नाम योगी सरकार। अच्छा, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि कानून की धज्जियां उड़ गई हैं सरकार। ऐसा तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। पिछले 5 साल में आपको भी बताया दंगा नहीं है। उनको उड़ाने के लिए नहीं मिली है, इसलिए वो ये बात। क्या उड़ाने के लिए नहीं मिला? कानून की धज्जियां। क्या क्या संभावना है कि कौन आ रहा है उत्तर प्रदेश? योगी जी, मुझे तो वही है, योगी जी आना ही चाहिए। और नहीं आएंगे तो जो अभी कह रहे हैं कि धज्जियां नहीं उड़ी हैं, तो वो उड़ते हुए आगे आने वाले समय में देखेंगे। किसी ने कहा है कि योगी जी अपने मठ में जा रहे हैं? कहीं नहीं, योगी जी यहीं रहेंगे, अगले 5 साल फिर यहीं रहेंगे और ये देश उत्तम प्रदेश बन के रहेगा। जहाँ पे आज इस प्रदेश ने जितनी तरक्की पिछले 7 साल में की है, आप गांव में जाके देखिए, जहाँ पे लाइटें नहीं आती थी, आज वहाँ पे 18-18 घंटे 20-20 घंटे लाइटें हैं, चौराहों पे लाइटें हैं, सड़कें हैं, लोगों को राशन मिल रहा है, 2-2 बार राशन मिल रहा है महीने में। कोई सरकार, सबसे बड़ी चीज़ आप देख लीजिए, इस कोरोना महामारी में इस प्रशासन ने जितनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई उसने किसी ने नहीं निभाई। इस सरकार को तो केवल 3 साल काम करने को मिला, 2 साल तो वो कोविड में ही फंसे रहे। तो अगला 5 साल भी आप दे रहे हैं? हाँ हाँ, योगी जी कन्फर्म है। मैंने कुछ सपा वालों से भी बात की, उन्होंने कहा अगर अगला 5 साल उनके हाथ में दे दिया तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। देश नहीं, ये प्रदेश कहाँ जाएगा ये वो लोग खुद देखेंगे जो पिछले 5 साल में हुआ है। आप खुद देख लीजिए कितना इन्वेस्टमेंट आया इस प्रदेश के अंदर, हाईवे देखिए, सड़कें देखिए, आप क्या देखना चाहेंगे 5 साल के अंदर? आपके आदमी से क्या चाह लेंगे? जो प्रदेश कभी गुंडा प्रदेश कहलाता था, आज की डेट में वो प्रदेश कहाँ है? 5 साल में आप देख लीजिए ना कितने दंगे हुए, सहारनपुर, शामली, कहीं भी आप देख लीजिए, कोई दंगा नहीं हुआ। आप एक नारी हैं, आपने सबसे पहले यही कहा कि नारी जो है शक्ति मजबूत हुआ है, क्या आपने देखा है सरकार में, पिछली सरकारों में? सबसे बड़ी हमारी सुरक्षा मजबूत हुई है और वो तो लालाबाई केसेस हैं जो एक दो हो जाते हैं। मैं इसलिए नहीं कहती हूँ कि भाई उनके संग हुआ तो नहीं हुआ, वो हर शासन में हुआ, लेकिन एज अ आप रेशियो लगा के देखिए तो जो पिछली सरकारें थी उनमें तो हम लोग सीधे जाते थे तो हमें ये चैन नहीं था। रात में अगर 9 बजे 10 बजे निकल रहे हैं तो हम जिंदा लौटेंगे कि नहीं, हमें यकीन नहीं था। लेकिन आज की डेट में एक दो केसेस की मैं नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन हम खुलेआम रात के 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, हम निडर जा सकते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं वो खुद चाहते हैं उन धज्जियों को उड़ाना, महिलाओं के संग अभद्रता करना। कुछ लोग हमारी वीडियो देख रहे होंगे, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अगर वो डालने घर से नहीं निकल रहे हैं तो? अगर वो नहीं निकल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी वो भूल कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद फिर एक ऐसे समीकरण के लिए तैयार रहे कि जिसमें वो अपने आंखों से आगे आने वाले समय में धज्जियां उड़ते हुए देखेंगे। आज वो जिस दावे को कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित है तो वो आगे नहीं रहेगी। तो मेरी आप सबसे अपील है, प्लीज 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 वोट। ये आपका एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा मेला है, उसको आप जरूर करें, जरूर करें। एक दिन खाना ना भी बनाए महिलाएं, कोई हर्जा नहीं है, मैं उनके पतियों से दरखास्त करूंगी वो बना दें, लेकिन प्लीज आप वोट करें, वोट जरूरी है। जी, श्रद्धा मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि वोट डालने, घर से बाहर निकले, एक दिन का समय मिला है, एक दिन में आप कुछ भी झेल लें पर लेकिन वोट जरूर डालें। मैं कुछ और लोग हैं, एक युवा जी, युवा चेहरा है, शुभ नाम आपका? अमन भारद्वाज। सर, भारद्वाज जी क्या नाम है आपका? अमन भारद्वाज। क्या नाम है? मेरा नाम तो भारद्वाज है जी। किन मुद्दों पर आपने वोट डाल चुके हैं? हाँ सर, डाल दिया। बड़ी जल्दी कर दी आपने वोट डालने में? सर जल्दी क्या, हमेशा ही जल्दी रहती है, क्यों इतनी जल्दी क्यों थी? बस सर, क्योंकि नहीं, इंतजार क्या करना सर, जो हम देख रहे हैं भाजपा सर, भाजपा सर, सेफ्टी इतनी ज्यादा है, आप मुंशी पुलिया पे देख लीजिए, सब पहले कब्जाया हुआ था, अब तो सब उड़ गया, अब खुद ही देखिए पीछे, अब क्या कहते हैं हमारे पाली के पीछे पुल बने हैं, वरना पहले तो बने नहीं थे, एक ही पुल में ही सब जाम लगाए बैठे थे। बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है बर्बाद कर देगी देश को। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
वो तो सबकी मानसिकता है जी। क्या नाम है आपका? आयुष भारद्वाज। भारद्वाज जी क्या देख रहे हैं, क्या सरकार बनेगी दोबारा बीजेपी की? बिल्कुल बनेगी, योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे जी। ऐसा क्या आपने देख लिया योगी जी में कि योगी जी दोबारा लेके आ रहे हैं? नहीं, वो अच्छे हैं मतलब। और तो कह रही कि युवाओं के पास नौकरी नहीं है। नौकरी की बात ये नहीं है, एक तो पॉपुलेशन भी देखिए, दूसरी बात जो जितना पढ़ाई करेगा उसके हिसाब से ही है। हम लोग ये नहीं सोच सकते कि सरकार हमें नौकरी तुरंत दे दे चाहे हमने कुछ। आपने वोट दिया, हमें दो तीन मुद्दे बता दीजिए। मुद्दे हमारे ये हैं कि हमने देखा कि इतना योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, हर चीज़ में काम किया। ऐसे एक एक गिनाने बैठेंगे बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आगे और भी मैं देखूँ कि और क्या क्या काम। लहर जो है बिल्कुल योगी जी की, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कुछ लोग जानकारी करना चाहेंगे कि उनकी अपनी क्या राय है। क्या नाम है माता जी आपका? गीता त्रिवेदी। कहाँ से आई हैं आप? इंद्रनगर से। नहीं डाल चुकी हैं आप? नहीं, जा रहे हैं डालने। जा रही हैं जी। अच्छा, अकेली हैं कोई और भी घर से लेके आई हैं? हस्बैंड आए हैं साथ में। हस्बैंड आए हैं जी। किन मुद्दे पर डालने जा रही हैं आप? जिस मुद्दे पे चल रहा है कार्यक्रम उसी मुद्दे पे डालेंगे। हम जानना चाहते हैं आपसे किन मुद्दे पर चल रहा है कार्यक्रम? तो विधानसभा का चल रहा है, तो योगी मोदी कोई भी आए हम उसे इससे क्या लें, जो जीता वही हमारा, जो जीता आपका और क्या। अरे मतलब जिसको जिताएंगे वो जीतेगा ना? योगी को जिताएंगे, योगी को जिताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लखनऊ क्षेत्र का योगी है, योगी जिताएंगे, योगी ने काम किया है। अखिलेश जी को क्यों नहीं ला रही है? अखिलेश जी को जब हम ऐसा काम करते तो उनको भी लाते हैं। अखिलेश तो कह रहे हैं कि उनकी आंधी में बीजेपी बह जाएगी। ठीक है, आंधी में कैसे बह जाएगी जब आंधी आए? आप लेके भाग क्यों रहे हैं अपनी वाइफ को? क्या दिक्कत है? आप सुनिए, हमें यहां वोट डालो, डालने का भाग रहे हैं, क्या करना है? वो आपको क्यों दिक्कत हो रही है जब बोल रही हैं? तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आप जो बुलाना बुलाइए, हमें कोई टेंशन नहीं। डर रहे हैं कुछ कहने से? काहे के लिए डरेंगे भैया? आपको लेके भाग रहे हैं? भाग इसलिए जो सरकारी कर्मचारी उनको पेंशन नहीं, तो जो जहाँ जी इच्छा पाएगा वो वहाँ करेगा। कह रहे हैं सरकारी कर्मचारी उनकी जहाँ इच्छा हो वो डालेंगे। चलिए कुछ लोग और भी हैं। क्या नाम आपका सर? जी बशारत खान। कहाँ से हैं? लखनऊ से ही है। वोट डाल चुके हैं आप? अभी नहीं, अब डालने जा रहे हैं वोट। अभी डालने जा रहे हैं। किन मुद्दे वोट डालने जा रहे हैं आप? विकास के मुद्दे रहेंगे, रोजगार के मुद्दे रहेंगे जी, न्याय के मुद्दे रहेंगे। विकास, और रोजगार, न्याय। अब हम सीधा पॉइंट पे आते हैं, किसको प्रमोट कर रहे हैं, किसको वोट कर रहे हैं? वोट उसी को ही देंगे जिसने काम किया है और जो काम करेंगे। जो काम किया, जो काम करेंगे, जो बातें नहीं करेंगे, जो बातें नहीं करेंगे, जिन्होंने काम किया है जो काम करेंगे उनको वोट दिया जाएगा जी। आप उनको वोट देंगे? आप जो है गोलमोल घुमा रहे हैं, आप सही बता नहीं रहे हैं। मैं गोलमोल नहीं घुमा रहा हूँ, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। समझदार को इशारा काफी भाई। बहुत सारी जनता समझदार नहीं होती, वो जानना चाहती है पॉइंट टू नोटेड। मतलब क्या समझदार है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, सब जान रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो अधूरे कामों को पूरा करेंगे उनको नहीं, जिन्होंने अधूरे काम जिनके रह गए उनको वोट दूंगा। काम को पूरा करना भी तो जरूरी है ना। अधूरे कामों को सड़क अगर मान लो आधे रास्ते बनी हो, पूरी नहीं बनेगी तब भी दिक्कत होगी ना, उस पूरा बनाना जरूरी है। उस सड़क को फिर से तोड़ के क्यों बनाया जा रहा है? उस रोड को वहीं से ही कंटिन्यू कर लिया जाए। आपने गोल गोल पूरे देश को घुमा दिया, शायद बहुत से लोग जान नहीं पा रहे होंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानकारी करेंगे उनकी अपनी क्या राय है। जी कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल चलिए, हमारे गुरु जी से। अच्छा, गुरु जी आपके भाग रहे हैं? आप गुरु जी को क्यों प्रमोट करें? चलिए तो ये बिल्कुल, तो फिर आप हम जाना चाहते हैं ना? नहीं, 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 क्या ना नहीं, नहीं, आप भाग क्यों रहे हैं?